खबरों में है दम। सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज देखें कमलेश मिश्रा के साथ। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। 12 जनवरी से 31 जनवरी तक होंगे अनुभूति कैंप। वन परिक्षेत्र बम्ही वन मंडल पश्चिम सामान्य मडला पर संपन्न हुआ अनुभूति कैंप। मडला स्कूली बच्चों को पर्यावरण, जंगली जानवर संरक्षण जैसे विषयों में जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष वन विभाग के द्वारा अनुभूति कैंप किया जाता है। इस कार्यक्रम पर वन परिक्षेत्र बम्ही वन मंडल पश्चिम सामान्य मंडला के द्वारा कान्हा नेशनल पार्क के गिदरी घुघरा पर अनुभूति कैंप 2023-24 का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को वन संरक्षण, पर्यावरण, जंगली जानवर क्यों जरूरी हैं, हमें पर्यावरण से क्या फायदे हैं, पर्यावरण को हमें क्यों बचाना है, प्रकृति के साथ हम कैसे तालमेल बना सकते हैं, इन गंभीर विषयों के प्रति जागरूक किया गया। निबंध, भाषण, चित्रकला जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। और उपभोक्ता और अपघटन, ठीक, ये झाड़ पेड़ पौधे स्वयं भोजन तैयार करते हैं जी, और स्वयं खाते हैं जी, ठीक है ना जी। ये क्या करते हैं, स्वयं उत्पादन करते हैं स्वयं और खाते हैं। उपभोक्ता, ठीक है ना, उपभोक्ता। आप उपभोक्ता में क्या क्या आते हैं, प्रथम घास, ये जो हाई हो गया। दूसरी तो उपभोक्ता, उपभोक्ता में ये तो घास हो गई, ये हो गया, ठीक है नहीं। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी मिली, उनसे हमें क्या लाभ होता है उसके बारे में, और इससे हम अपने जीवन में क्या क्या कर सकते हैं, अधिकतर रोगों से लड़ने के लिए कौन सी औषधि काम किस वक्त काम आ सकती है। मध्य प्रदेश वन विभाग और मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा स्कूली बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों को एक दिन के लिए जंगल के बीच में ले जाकर प्रकृति के बीच में पूरा दिन व्यतीत कराते हुए उन्हें व्यवहारिक रूप से प्रकृति, पर्यावरण, वन्य जीवों के बारे में बताया जाता है और उनके संरक्षण के लिए जागरूक किया जाता है। 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी के बीच में हर वन मंडल में आयोजित किया जाता है, परंतु इस वर्ष मंत्रिमंडल के गठन में थोड़ा सा समय होने की वजह से 12 जनवरी से ये प्रारंभ हुआ है, जो 31 जनवरी तक सभी वन परिक्षेत्र में जारी रहेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।